A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be doing the 10 minutes of phrasal verbs, जिसमें हम लोग 5 phrasal verbs पढ़ेंगे जो आपके prepositions में बहुत ज़्यादा important है for class 10th and class 12th, ICSE and ISE. Okay, English में ये phrasal verbs जो है ये आपके exercises में आते हैं, जैसे कि prepositions में और make sentences में भी थोड़ा बहुत ये helpful रहेंगे आपको. तो द फर्स्ट वन इज प्रेपोजिशन ब्रिंग अप. ब्रिंग अप का ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ब्रॉट, और ब्रॉट के साथ वी यूजुअली यूज अप. ठीक, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, मतलब मैं एक स्पेसिफिक चीज आपको बता रही हूँ कि अगर ये वाला स्टेटमेंट दिया है तो आपको उसमें क्या लिखना है. ब्रॉट अप का क्या मतलब होता है, किसी भी चाइल्ड को रेस करना या किसी को पाल पोस करके बड़ा करना. तो इसमें द सेंटेंस इज My grandparents brought me up after my parents died. और अभी हम लोग इसका ही previous year paper में जो भी आए हैं prepositions वो हम इन्हीं के basis पर solve करेंगे. Next is turn up. Turn up करना to appear immediately या कोई इंसान जो सामने आया हो उसको हम लोग turn up कहेंगे. Our cat turned up. Turned up means वो सामने आई. After we put posters up all over the neighborhood. ओके, देन थर्ड इज टेक ऑन. टेक ऑन करना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डिसाइड करना या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में ले लेना, उसको हम लोग कहते हैं टेक ऑन. तो आई कैन नॉट, आई कांट टेक ऑन एनी एक्स्ट्रा वर्क, तो ये उसका पार्ट हो जाएगा. या फिर वी आर नॉट टेकिंग ऑन एनी न्यू क्लाइंट्स, जो इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट इज टेक आफ्टर समबडी. टेक आफ्टर समबडी मीन्स टू फॉलो समवन क्विकली, किसी के तरीकों को फॉलो करना या उसको फॉलो करना. आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई स्टार्टेड रनिंग द मैन, आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई स्टार्टेड रनिंग द मैन वुड टेक आफ्टर मी. ओके, यहां से ये कॉमा है. आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई स्टार्टेड रनिंग द मैन वुड टेक आफ्टर मी. ठीक है, ही वुड फॉलो मी. देन टर्न समथिंग ओवर. टर्न समथिंग ओवर का मतलब होता है टू चेंज द पोजिशन, किसी भी चीज को आप बिल्कुल पलट देना, दैट इज नोन एज टर्निंग ओवर. ठीक, यहाँ पर एक और था टर्न अप. टर्न अप क्या होता है, किसी के सामने, किसी का सामने आना, और टर्न ओवर होता है किसी चीज को पलट देना. देन टेक ऑन इज समथिंग व्हेन यू टेक सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप किसी चीज को करने का डिसाइड करते हो. एंड टेक आफ्टर क्या होता है, व्हेन यू आर फॉलोइंग समवन. और एक और इसमें हमने बताया था दैट इज ब्रिंग अप, जिसका पास्ट टेंस होता है ब्रॉट अप, और इसका मतलब होता है टू रेज अ चाइल्ड. तो ये 5 आपके प्रेपोजिशन से. नाउ वील बी डूइंग द प्रेपोजिशन के एक्सरसाइज जो 2020 के पेपर में आई थी फॉर क्लास 12th ISE का. ये 2020 का पेपर है ये वाला. ठीक, इसी के ये वाले एक्सरसाइज है. फर्स्ट इज द एंटीक फर्नीचर वो सोल्ड एट. देखो यहाँ पर ये एक प्लेस की बात की गई है, जैसा कि इनकी जो आंसर है वो कहते हैं. आप उसमें इन भी लगा सकते हो, इन हो जाएगा वो जगह. ठीक है, इन भी यूज हो सकता है, एड भी हो सकता है, बाय हो सकता है कि फर्नीचर जो है मैंने ऑक्शन के थ्रू सेल किया था, तो सोल्ड बाय भी हो सकता है. बट इसमें सिर्फ एक ही आंसर दिया, दैट इज एट. एट यहाँ पर इसको क्या कंसिडर किया गया, एक प्लेस कंसिडर किया गया. नेक्स्ट इज द टिकट्स वर सोल्ड आउट विद इन एन आवर. अब ये तो आपने बहुत जगह पर, हर कोई शॉपिंग करता होगा तो उसने ये चीज देखी होगी, एवरीवेयर इट इज रिटन सोल्ड आउट, आउट ऑफ स्टॉक. तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे. देन आई रियलाइज दैट आई हैड वॉक्ड इन टू अ ट्रैप. जब आप कहीं पर फंस जाओगे तो आप उसमें इन टू लगाओगे. इन टू क्या होता है कि एक, देखो इन और इन टू में एक डिफरेंस होता है कि इन टू मीन्स किसी भी तरह का मूवमेंट. ऑब्वियसली आप उस जाल में जाकर के बैठोगे नहीं, वहां रहोगे नहीं, उसमें आप फंस गए हो. ओके, देन शी हैड वॉक्ड डैश टू आवर्स. सो इसमें हम लोग लगाएंगे वॉक्ड फॉर टू आवर्स. क्यों? क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं कि कितने बजे वो उसने स्टार्ट किया था, ये एक पीरियड है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है. तो पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सिंस यूज करते हैं, और पीरियड अगर दिया हुआ है कि 2 घंटे 4 घंटे जो कि स्पेसिफाइड नहीं है कब से, तो हम लोग उसमें फॉर यूज करेंगे. देन नेक्स्ट इज कैन ही टेक
डैश द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टेक के साथ हम लोग क्या यूज करते थे, यहाँ पर देखो हम लोग ने ये पढ़ा भी था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कोई भी ऐसी चीज है तो इट विल बी टेक ऑन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके देन नेक्स्ट इज शी टेक्स डैश हर मदर इन ऑल हर मैनरिजम्स, कि उस किसी को फॉलो करना, इट विल बी टेक आफ्टर। Then next is Neha turned dash a new leaf after the incident. तो यहाँ पर हम लोग ने turned का एक और पार्ट पढ़ा था, that was turned over, मतलब किसी भी चीज को पलट देना is known as turnover, to make something change position so that the other side is facing the outside or the top. ठीक, तो यहां पर वी विल, व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट हियर एज टर्नड ओवर। देन नेहा टर्नड ओवर अ न्यू लीफ आफ्टर द इंसिडेंट। देन नेक्स्ट इज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सो मेनी पीपल टू टर्न डैश फॉर द कॉन्फ्रेंस। ऑब्वियसली अभी हमने बताया था कि किसी का सामने आना इज नोन एज टर्न अप। जैसे आई थ्रू अ पार्टी एंड नो वन टर्नड अप, तो कोई भी नहीं आया था जब मैंने पार्टी दी थी, तो दिस इज ऑल्सो दैट नो वन अपियर्ड। देन द स्टूडेंट्स ब्रॉट डैश द फर्स्ट इशू ऑफ देयर मैगजीन। अब देखो ब्रॉट के साथ यहाँ पर हम लोग आउट यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कोई एक इशू है जिसको उन्होंने सामने लेकर आए। ओके देन मोगली वॉज ब्रॉट डैश बाय वुल्व्स इन द जंगल। मोगली को किसने पाला था, मोगली वॉज ब्रॉट अप। दोनों में डिफरेंस है, यहां पर भी ब्रॉट दिया है, यहां पर भी ब्रॉट दिया है, इसमें सिर्फ एक इतना सा डिफरेंस समझो कि ब्रॉट के साथ यहां पर वो कोई इशू लेकर आ रहे सामने तो आउट लगेगा, यहां पर यू नो कि ही वॉज ब्रॉट अप बाय देम इन द जंगल, कि उसको जानवरों ने पाला था, तो दिस यू ऑलरेडी नो। ठीक है, फिर वैसे ही यहां पर टर्न और टर्न दो चीजें दी हुई है, मतलब यूजुअली हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न कर दें, बट यूजुअली व्हाट दे विल डू, फ्रेजल वर्ब्स आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। टर्नड और टर्न यहां पर भी सेम ही चीज दी हुई है, लेकिन द डिफरेंस इज देयर कि वो कोई चीज को, शी टर्न अ न्यू लीफ मतलब वो, मतलब शी चेंज, ठीक है, और यहां पर टर्न अप की कोई इंसान जो है वो सामने नहीं आया। देन हेयर ऑल्सो इट इज टेक, टेक ऑन द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोचा। ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। फिर नेक्स्ट टाइम वी विल अगेन मेक अ लिस्ट ऑफ 5 or 6 फ्रेजल वर्ब्स, और थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आए यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग, कीप शेयरिंग, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड्स। थैंक यू।